तो हेलो दोस्तों, तो दोस्तों ये देख सकते हो मेरे हाथ में ये है वोल्ट मीटर। इस तो मीटर से आप 3 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक आप इसमें बैटरी को चेक कर चलिए सकते। इस वोल्ट मीटर को बना के दिखाते हैं। सबसे पहले हम इस तरीके के पीपीसी शीट को बना लिया था और आप देख सकते हो तो इसका लंबाई हमारा कितना है। तो दोस्तों इसका लंबाई है 8 सेंटीमीटर और ये चौड़ाई हमारा है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके का पीवीसी शीट को पहले से ही रखा था। तो चलिए इसमें एक वोल्ट मीटर बनाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें यहाँ पर हम एलईडी लगाएंगे, इसीलिए चलिए सोल्डिंग आयरन की मदद से यहाँ पर छोटे छोटे एलईडी के लिए होल कर लेते हैं। होल आप देख सकते हो सोल्डिंग आयरन से कर सकते हो, नहीं तो आप ड्रिल मशीन से भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने अच्छे से होल कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपको भी इस तरीके से इस पट्टी के ऊपर में हमें होल कर लेना है। यहाँ पर हम 5 एलईडी को लगाएंगे, इसलिए मैंने 5 होल किया हूँ। और आप जितनी एलईडी लगाओगे इतनी होल कर लेना। यहाँ पर हमारा होल हो चुका है। और चलिए हमें इस तरीके के हम एलईडी लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो तो मैंने रेड कलर का एलईडी लिया हूँ और रेड कलर का एलईडी को हम नीचे लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो वोल्टेज डाउन होगा हमारा रेड कलर एलईडी ही जलेगा। यहाँ तो पर हम एलईडी लगाएंगे। तो दोस्तों आपका कनेक्शन डायग्राम मैं वीडियो के बीच में आपको दे दूंगा। तो दोस्तों इसका कनेक्शन बहुत ही ईजी है। यहाँ पर सारे एलईडी को चलिए लगा लेते हैं। तो दोस्तों आपको देखना है प्लस और माइनस को आपको आपस में कनेक्शन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर सारे एलईडी को लगा लेते हैं। तो दोस्तों आप इस वोल्ट मीटर को बनाने के बाद सारे बैटरी को चेक कर सकते हो, लिथियम बैटरी, पॉलीमर बैटरी, तो दोस्तों लेड एसिड बैटरी, आप वोल्टेज को आप टेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर सारे पिन को हमें इस तरीके से आगे ही लगा देना है। और आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हमारा बढ़ गया, उसको चलिए काट लेते हैं। तो दोस्तों आप प्लास की मदद से इस छोटे छोटे वायर को आप काट सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर हमारा सब कट गया। तो चलिए इसको स्टैंड पे लेकर यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सोल्डरिंग पेस्ट इसमें लगा देते हैं और स्टैंड में अच्छे से लगा देते हैं। और स्टैंड में लगाने के बाद चलिए सोल्डरिंग आयरन की मदद से सारे को हम सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको कनेक्शन डायग्राम यहाँ पर दे दिया जाएगा, आप कनेक्शन डायग्राम को देखकर इजीली इसको बना सकते हो। यहाँ पर सारे एलईडी को हमने सोल्डरिंग कर दिया हूँ। और चलिए इसमें यहाँ हम पर हम एलईडी को सुरक्षित रखने के लिए हम यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो दोस्तों ये है 1K का रेजिस्टेंस। तो दोस्तों इसकी जो रेजिस्टेंस को हमें इसकी बीच बीच में हमको एक एक करके लगा देना है। और ये 1K रेजिस्टर आपको 1 रुपये में मिल जाएगा, मार्केट से ला सकते हो। देख सकते हो इसका कनेक्शन बहुत ही ईजी है। इस रजिस्टर को आप मैंने किस तरीके से लगाया हूँ, यहाँ पर रजिस्टर का तो कनेक्शन हो गया। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। तो दोस्तों बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, और प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए इसकी दूसरी कनेक्शन कर देते हो, यहाँ पर स्टैंड को हम लगा देते हैं। स्टैंड को लगाने के बाद तो दोस्तों आपको इस साइड में थोड़ा कॉपर वायर को छील लेना है और इंसुलेट को हटाकर हम इस रजिस्टर के साथ अच्छे से यहाँ पर सोल्डरिंग कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो कनेक्शन बहुत ही ईजी, आप घर पे ही बना सकते हो। यहाँ पर अच्छे से सोल्डरिंग करने के बाद यहाँ पर थोड़ा बढ़ गया, उसको चले काट लेते हैं। यहाँ पर कैंची की मदद से काट लेंगे और यहाँ पर देख सकते हो हमारा कनेक्शन हो गया। तो दोस्तों हमारा जो रेजिस्टेंस में जो पॉइंट निकला है वो है हमारा प्लस। ब्लैक कलर का और रेड कलर का वायर लेते हो, ब्लैक कलर का वायर को हम एलईडी के साथ कनेक्शन कर लेंगे और रेड कलर का वायर को हम रेजिस्टेंस के साथ कनेक्शन कर लेंगे। और हमारा जो वोल्ट मीटर का कनेक्शन अब हो चुका है। तो ये रहा कनेक्शन डायग्राम। तो दोस्तों इस डायग्राम को देखने के बाद आप घर पे ही वोल्ट मीटर बना सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो हमारा दोनों वायर निकल चुका है और इसकी चलिए कवर बनाते हैं। तो दोस्तों कवर बनाने के लिए हम पीवीसी शीट का इस तरीके से 2 टुकड़े पहले से ही बना के रखा था और फेविक्विक से चलिए इसको चिपका लेते हैं। वो आप देख सकते हो यहाँ पर देख साइड में मैंने 1 इंच का रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरी साइड को भी चलिए फेविक्विक से अच्छे से लगा लेते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा फेविक्विक को इसके ऊपर में डाल देते हैं और हमारा वोल्ट मीटर अब बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हो पीवीसी का टुकड़ा को मैंने लगा दिया हूँ। वोल्ट मीटर को बनाने के बाद अलग से मल्टीमीटर को आप खरीदना मत। तो दोस्तों इससे ही आपका सारा काम हो जाएगा। ऑल टाइप बैटरी को आप चेक कर सकते हो, लिथियम बैटरी, 3 वोल्ट बैटरी, 9 वोल्ट बैटरी और 12 वोल्ट बैटरी, 24 वोल्ट बैटरी को आप इजीली इसमें चेक कर सकते हो हमारा जो वोल्टेज कितना हुआ है। तो दोस्तों आप बैटरी का इसकी बैटरी को इसमें आप देख सकते हो कितना वोल्ट बैटरी चार्ज हुआ है। और इसकी कवर को चलिए बना लेते हैं। तो दोस्तों इसमें एक थोड़ा छोटा सा एक होल कर लेते हैं सोल्डिंग आयरन की मदद से। तो दोस्तों आप ड्रिल मशीन से भी कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो हम एक छोटा सा होल कर दिया हूँ और चलिए इस दोनों वायर को हम इस होल में डाल देते हैं। तो ये मैंने सिर्फ 10 रुपये में इस वोल्ट मीटर को आज बनाया हूँ।
और इसकी जो वायर को दोस्तों देख सकते हो, रेड कलर का वायर और ब्लैक कलर का वायर। तो दोस्तों इसको जरिए से आप कौन सा भी बैटरी को वोल्टेज चेंज कर सकते हो। यहाँ पर फेविक्विक से अच्छे से चिपका देंगे, यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा थोड़ा फेविक्विक चिपकाने के बाद इसकी पीछे वाला कवर को भी मैंने पीवीसी शीट से बनाया था पहले। तो दोस्तों इसको भी हम चलिए फेविक्विक से अच्छे से चिपका देते हैं। देख सकते हो हमारा जो वोल्ट मीटर बहुत ही शानदार दिख रहा है, बहुत ही अच्छा वोल्ट मीटर। तो दोस्तों ये इतना छोटा है तो दोस्तों आप पॉकेट से भी लेकर कहीं भी लेकर ला जा सकते हो और बैटरी वगैरह चेक कर सकते हो। यहाँ पर चलिए इसमें मार्क कर लेते हैं एलईडी कौन सा वोल्ट यूज़ कर सकते हो। दोस्तों पहला वाला एलईडी हमारा 3 वोल्ट और दूसरी वाला 6 वोल्ट, तीसरी वाला 9 वोल्ट, चौथी वाला हमारा 12 वोल्ट और पाँचवीं वाला हमारा 24 वोल्ट। इस तरीके के बैटरी को चेक कर सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक 12 वोल्ट का अडाप्टर ले लिया हूँ और इसको भी हम इस वीडियो पे चेक करके दिखाने वाला हूँ। और चलिए इस बैटरी को और इस तरीके के पावर सप्लाई को भी हम टेस्ट करके दिखाएंगे। यहाँ पर एक 3.7 वोल्ट का लिथियम आयन बैटरी है, तो दोस्तों चलिए इसको चेक करके देखते हैं। यहाँ पर 3.7 वोल्ट बैटरी को जैसे ही मैंने इसमें लगाया तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर एक एलईडी हमारा ग्लो कर रहा है, यानी हमारा ये 3.7 वोल्ट का बैटरी यहाँ पर 3 वोल्ट का एलईडी हमारा ग्लो हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही। चलिए आप इसे 12 वोल्ट का एक अडाप्टर को इसमें लगा कर देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो 12 वोल्ट का अडाप्टर हमारा काम कर रहा है। यहाँ पर हमारा जो चौथी वाला एलईडी बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हो रहा है और हमारा जो 24 वोल्ट का एलईडी वो थोड़ा थोड़ा ही ग्लो हो रहा है, यानी हमारा यहाँ पर 12 वोल्ट है इसीलिए हमारा 12 वोल्ट का एलईडी बहुत ही ज़्यादा ब्राइट कर रहा है और 24 वोल्ट का एलईडी। दोस्तों आपको वोल्ट मीटर कैसा लगा तो दोस्तों ये देख सकते हो। तो दोस्तों मैंने इस वोल्ट मीटर को आज वीडियो पे दिखाया हूँ। तो दोस्तों आप इसे 3 वोल्ट से 12 वोल्ट तक ये सपोर्ट करता है। तो दोस्तों ये बहुत ही छोटा और आप इसे पॉकेट पे भी कैरी कर सकते हो और बहुत ही अच्छा है और आप इसे घर पे भी बना सकते हो। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगली वीडियो पे। जय हिंद।